करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है आपका 11th of January 2024 थर्सडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। डॉलर इंडेक्स अभी है 102.21। अच्छा, कल का जो मैंने वीडियो बनाया था वहां पे रॉन्गली मैंने ये बताया था कि आज शाम को यूएससीपीआई डेटा है, यानी वेंसडे को मैंने बताया था कि शाम को 7 बजे यूएससीपीआई डेटा है, जो गलत है। एक्चुअली आज थर्सडे के दिन 11th ऑफ जनवरी को यूएससीपीआई डेटा है, शाम को इंडियन मार्केट के टाइमिंग्स में 7 PM को यूएससीपीआई डेटा। सॉरी फॉर द दैट रॉन्ग इन्फो। सो डॉलर इंडेक्स ये रेजिस्टेंस जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है एंड वेटिंग फॉर द डेटा। डेटा के बाद अगर कुछ क्लियर इंडिकेशंस मिल जाते हैं कि रेट कट ए पेस में होगा, वो पेस में होगा, जल्दी होगा वगैरह वगैरह, बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं, इन सच केस डॉलर अगेन विल बी हेडिंग टुवर्ड्स 100.7080, जो रिसेंट स्विंग लो है आपका 28 दिसंबर का। अभी अगर इन केस सीपीआई डेटा नॉट एज मार्केट एक्सपेक्टेड आते हैं, लाइंस में आते हैं और खराब आते हैं, हायर नंबर्स आते हैं, इन सच केस ये जो रेजिस्टेंस जोन है कौन सा है आपका 102.50 से 102.80 का। इसको ब्रेकआउट करके, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके, इट विल ट्राई टू टेस्ट 104। सो डेटा का इंतजार है। डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो उसके साथ डॉलर येन भी देख लेते हैं। ऑल्दो डॉलर इंडेक्स साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है विद ए स्लाइट नेगेटिव टोन, लेकिन डॉलर येन, डॉलर स्ट्रेंथ किया अगेंस्ट द येन, क्योंकि वहां पे आपका वेज नंबर्स अच्छा बेटर नहीं आया जिसके कारण येन फेल अगेंस्ट डॉलर, एंड करेंटली ये 145.46 पे है। हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है वो है आपका 146.25 का एरिया। अभी यूएससीपीआई का इंतजार है, उसके बाद हमें देखना है कि इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके नीचे के तरफ आते हैं या आपका रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर के तरफ जाते हैं। अगर नीचे के तरफ आते हैं देन अगेन इट विल ट्राई टू टेस्ट टुवर्ड्स 141, और ऊपर के तरफ अगर इस इमीडिएट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हैं, इन सच केस आपका 147.30 से 147.50 के तरफ ये नया अप्रोच करने वाला है। ये हो गया आपका डॉलर येन। इसके साथ हम देख लेते हैं यूएस 10-ईयर ट्रेजरी। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी भी कंसोलिडेट कर रहा है आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस एट 4.09, करेंटली 4.0223। वही देख रहे हैं कि क्या, हाँ यहाँ पे एक चीज है, जैसे ही कल का जो एक स्मॉल ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है इसके लो के नीचे एक सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स 3.80 प्राइस सेक्शन का। ये मन से हिसाब है, ये जो ग्रीन कैंडल इसके लो के नीचे। सो सीपीआई डेटा का इंतजार है, उसके बाद अगर ये नीचे की तरफ आ जाते हैं देर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये यहाँ स्विंग लो की तरफ आएगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका 4.09 4.10 है इन केस नंबर खराब आते हैं, एंड रेट कट का जो डेट एंड पेस वो थोड़ा डिले हो जाते हैं, इन सच केस ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाने के तरफ के लिए तैयारी कर सकते हैं। यूएस 2-ईयर ट्रेजरी ये इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, एंड जो जोन है नीचे की तरफ आपका 4.33 एंड ऊपर की तरफ आपका 4.45, इसके बीच में टाइम पास कर रहे हैं पिछले 4 दिन से। आज के दिन क्या ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ स्विंग लो को बराबर टेस्ट करने के लिए आएंगे, या फिर ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है उसको चैलेंज करने का प्रयास करेगा, ये तो वक्त ही बताएंगे। अभी आते हैं हमारा डॉलर रुपी। डॉलर रुपी कल अच्छा खासा एक इनफ्लो मार्केट में हिट हुआ था, जिसके कारण डॉलर रुपी ट्रेडेड लो ऑफ 82.9798। तो आज के दिन में हमें देखना है कि इनविजिबल हैंड्स ये 83.10 लेवल को डिफेंड करके दोबारा इसको 83.20-85 के तरफ लेके जाते हैं या नहीं। यहाँ पे आप अगर प्राइस को देखोगे तो
यहाँ पे बराबर इस लेवल पे, दिस इज द फोर्थ टाइम इट इज टेस्टिंग दिस लेवल। सो क्या इनविजिबल हैंड्स अपना ग्रिप पकड़ छोड़ देंगे एंड रूपी को अलाउ करेंगे तो ट्रेड बिलो 82.80? दैट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन वी नीड टू वेट एंड वॉच। जीबीपी डॉलर, आपका जीबीपी डॉलर वही जो हमारा एनालिसिस था। क्या एनालिसिस था? डेली चार्ट पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसको चैलेंज करने का प्रयास करेगा एंड ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने का तैयारी करेगा। आज अभी के लिए टिल 7 PM ये ऊपर की तरफ इतना आशा नहीं करते हैं कि ये आपका 1.28 के ऊपर सस्टेन करेगा, बट डेटा के बाद डेटा के डिपेंडिंग ऑन द डेटा ये ब्रेक करेगा या नहीं करेगा वो देखना है। जैसे ही आपका 28 दिसंबर का हाई के ऊपर सस्टेन कर जाएगा 1.2830 के ऊपर, इन सच केस हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, वो है आपका 1.2950 से 1.70 के बीच या 1.80 के बीच। एंड उसके बाद का जो चैलेंज है वो है आपका 1.31 से 1.3125 का। सो ऊपर की तरफ दो चैलेंजेस इन केस यूएसए पे डेटा बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशंस आते हैं एंड डॉलर सॉफ्ट हो जाते हैं। जीबीपी आईएनआर यहाँ पर भी हमारा वही एक्सपेक्टेशन है कि ये जो हाई है इसको रेजिस्टेंस में काफी टाइम से ब्रेक करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये आफ्टर यूएस सीपीआई डेटा इस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाते हैं, हमें देखना है। यूरो डॉलर ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इस सपोर्ट जोन पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाने के लिए प्रयास कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो 1.11 से 1.1130 इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। दिस लेवल इज गोइंग टू एक्ट एज ए नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। अभी कल का जो हमारा एनालिसिस है वहां पे हमने देखे थे कि ये लेवल पे आने के बाद, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे टाइम पास करके ऊपर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि यहाँ पर भी आया है, टाइम पास कर रहा है, क्या ये टाइम पास करने के बाद फिर ये स्विंग हाई को चैलेंज करेगा? वो हमें आज सीपीआई डेटा के बाद देख सकते हैं। यूरो आईएनआर सिमिलरली सेम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस, इस लेवल पे टाइम पास किया, कंसोलिडेट किया, सपोर्ट लिया है, ऊपर भाग गया। अभी भी सिमिलरली उसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के वहां पे आया है यूरो आईएनआर। अभी क्या इस जोन को कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जो रिसेंट स्विंग हाई है कौन सा है, 92.50 से 94.70 का, इस जोन को टेस्ट करते हैं, ये हमें इंतजार करना है। येन आईएनआर कल अच्छा खासा सॉफ्ट हुआ है, ये जो हमारा सपोर्ट लेवल था वहीं पे आके अभी रुका हुआ है। कौन सा लेवल है? 0.57 के। अभी द क्वेश्चन इज क्या फर्दर ये नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जैसे जैसे नीचे आएगा एवरी लेवल पे हमें सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो हमारा यहाँ पे होगा 0.5650 से 0.5660 का। इसको भी अगर तोड़ते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा ये आपका 0.5550 से 0.5580 का। इसको भी अगर आने वाले दिनों में तोड़ते हैं तो हमारा ये हो जाएगा नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट 0.55। आप बोलोगे इतना सारा सपोर्ट, कहने का मतलब ये आईएनआर सेलिंग पे एवरी सेलिंग पे सपोर्टर्स मिल गया, क्योंकि प्रीवियस जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था। मार्केट आपका 0.5450 लेवल से 0.59 तक एक रैली किया है। रैली के बाद जो करेक्शन आएगा, पुलबैक आएंगे, पुलबैक में एवरी पुलबैक में सपोर्ट मिलेगा। दैट इज व्हाट द कंसर्न, नथिंग न्यू, नो न्यू कॉन्सेप्ट, जस्ट एन एनालिसिस। डॉलर कैंडी ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे टाइम पास कर रहे हैं एंड देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज के दोबारा ये स्विंग लो को टेस्ट
करने वाले हैं, लेकिन वही इवनिंग का यूएसपीआई डेटा उसके ऊपर इनकेस सीपीआई डेटा खराब आते हैं और इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हैं, तो व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट में हमारा जो नेक्स्ट चैलेंज होगा ये होगा 1.3580 से 1.3610 ये लेवल। ऑसी डॉलर भी सिमिलरली जो हमारा यूरो डॉलर यूरो आइनर का था उसी तरह यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द डेटा। ये टाइम पास के बाद क्या ये इमीडिएट जो स्विंग हाई है उसको चैलेंज करेगा या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा? चैलेंज करेगा तो 0.69 के तरफ, ब्रेक डाउन करेगा तो 0.6550 के तरफ, हमें देखना है। दिस विल गिव एन ओवरऑल आइडिया, नॉट ए ट्रेडिंग कॉल। अभी आते हैं सीएनएच कल ये हाई जो मारा था 7.1875 का, हमारा टारगेट था 7.20 का, ऑलमोस्ट कहां पे हमने टारगेट दिया था जब ये 7.13-7.14 के आसपास था, उस समय हमारा नेक्स्ट टारगेट था 7.12, ऑलमोस्ट थोड़ा सा मींस सवाबीगी का एक मिस है। आज गैप डाउन ओपन होके नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि आपका पीबीओसी काफी मेजर्स ले रहे हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जो मेजर्स ला रहे हैं हमें इतना ही देखना है कि इकोनॉमी रेस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं। जस्ट लाइक समवन सम पेशेंट इन आईसीयू एंड आप कभी विटामिन का इंजेक्शन दे रहे हो, कभी ये इंजेक्शन दे रहे हो, कभी वो इंजेक्शन दे रहे हो, क्या पेशेंट रेस्पॉन्ड कर रहे हैं ये हमारा देखने वाला चीज है। सिमिलरली पीबीओसी जितना भी मेजर्स ले ले, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि काम नहीं करेगा या काम करने वाले हैं, इंटेंशन इज कि काम करेगा एंड इकोनॉमी विल स्टार्ट बूमिंग, लेकिन हमें देखना है क्या ये आने वाले दिनों में ये इकोनॉमी को बूस्ट करने में कैपेबल है या नहीं। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर अभी है आपका 77.31, जैसे कि हमारा एनालिसिस था, जब तक इस हाई को नहीं तोड़ता है 81.50 या जब तक इस लो को नहीं तोड़ता है 73.00, दिस टू आर पिवट पॉइंट्स यानी इंपॉर्टेंट क्रूशियल लर्नमेंट्स, इसको जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करता है ट्रेंडेड मूव नहीं मिलेगा एंड तब हमें धोबी पछार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मार्केट एक्शन हम देखेंगे। व्हाट इज धोबी पछार? एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, धोबी कैसे कपड़े धोते हैं, दैट इज व्हाट द धोबी पछार, कपड़े को आगे मारने के लिए सफाई के लिए तो पीछे लेके जाते हैं, वही हो रहा है कभी ऊपर कभी नीचे, मीन्स धोबी पछार एक्टिविटी एक्शन चल रहे हैं। ये आपका क्या बोलते हैं ब्रेंट क्रूड फ्यूचर में, ब्रेंट ये हमें कंसोलिडेशन के बाद ही हमें एक डायरेक्शन मिलेगा क्या ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं या फर्दर नीचे की तरफ सॉफ्ट हो रहे हैं। इनिशियल जो इंडिकेशन है, क्या इनिशियल इंडिकेशन डेली आरएसआई में हम देखेंगे, इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 40 रेंज शिफ्ट करके ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन मोमेंटम मिल नहीं रहा है। दैट बीइंग द केस अगर RSI 40 के नीचे क्लोज देते हैं तो ये जो ऊपर जाने का जो प्रयास है वो डैम्पन हो जाएगा। इतना ही ये एनालिसिस ब्रेंट क्रूड के ऊपर। इन ए नटशेल ब्रेंट क्रूड ये दो पिवट एरियाज है आपका 81.70 and 72.70, दोनों आइदर साइड ब्रेकआउट करना पड़ेगा, आइदर साइड इधर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे फॉर ए ट्रेंडेड मूव, अप ट्रेंडेड मूव क्या होता है हमें देखना पड़ेगा। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एवं योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।